CrDroid का ऑफिशियल 6.5 का अपडेट आ चुका है जो कि Redmi के Note 4 डिवाइस के अंदर मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा कि क्या कुछ नया अपडेट किया गया है और क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इस रोम को यूज करते हो तो। सो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और यहाँ पे जो होम स्क्रीन का वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, आई नो डेट आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम के वॉल्स के चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अबाउट पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 10 जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेटेड है। और यहाँ पे सीआर का जो वर्जन है वो है 6.5 का और 5 अप्रैल का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोट कर्नल जो कि आजकल फिलहाल सभी पे बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, स्पेशली रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए। वहीं पे 12 अप्रैल का यहाँ पे इसका बिल्ड डेट देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका बिल्ड नंबर आपको दिखाई दे देता है। वहीं पे सिस्टम की ओर आते हैं तो मल्टी यूजर्स अकाउंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है CrDroid का, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में फोकस करेंगे। आगे की रिपोर्ट है डिस्प्ले सॉरी साउंड के अंदर, तो यहाँ पे MIUI साउंड इन्हेंसर दिया गया है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक वगैरह, कॉल वाइब्रेट वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पे आप अपने मर्जी के अनुसार जो पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का वाइब्रेट होना चाहिए, तो ये सही लगता है। वहीं पे आते हैं डिस्प्ले की ओर, लैब डिस्प्ले और यहाँ पे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, ये सारी चीज़ आपको वर्किंग मिलती है। वहीं पे ऑलवेज ऑन और एम्बिएंट रिलेटेड पॉकेट हैंडबैग एंड पिकअप देखने को मिलता है जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। और इसका जो टच का रिस्पॉन्स है वाइब्रेट का, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा बाकी अदर के मुकाबले, तो ये मुझे सही लगा है एज कम्पेयर टू अदर रोम। वहीं पे बैटरी की बात करें तो आप देख सकते हो बहुत कम है यूजेज, लेकिन अगर आप यूज कर रखे हो तो अपना बैटरी डिटेल मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि एवरीडे रोम्स की रिव्यू करता हूँ तो हर एक रोम के बैटरी को फुल्ली टेस्ट कर पाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत ही यूज कर पाता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक और प्रोफाइल मिलता है जो कि आपको परफॉर्मेंस, बैलेंस और बैटरी बैकअप का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपको जिसका यूज है ना उसके अनुसार आप परफॉर्मेंस को यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि पावर सेविंग आ गया या बैलेंस बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको गेमिंग करना है तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस पे जा सकते हो। तो बैलेंस और परफॉर्मेंस दोनों पे मैंने Antutu का स्कोर चेक किया है, दोनों के रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना है जो ये बूस्ट करता है आपके परफॉर्मेंस वगैरह को। वहीं पे आते हैं इसके एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जहाँ के CrDroid है, तो यहाँ पे कई सारे वोल्टी का आइकन देखने को मिलते हैं जो कि मैंने कुछ टाइम पहले रिव्यू में शो किया था। तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, टोटल आपको 7 वोल्टी का आइकन्स पैक मिल जाते हैं जो कि बाकी अदर रोम्स में जो प्रोवाइड करता है। अभी फिलहाल मैं सिम निकाल रखा हूँ बट आपको आई नो डेट पता होगा। वहीं पे बैक की ओर चलते हैं, यहाँ आपको मिलता है रॉ एंड कॉल्यूम का मेंटेन करना, कलर और साथ ही हेडर के इमेज आप लगा सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस देखने को आपको मिल जाता है। साइड में आपको स्टेटस बार, मीडिया कवर आर, टैप टू बैकअप, यहाँ पे फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन, वाइब्रेशन देखने को मिलता है। वहीं पे नेपाल का आप चाहो तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी पैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एंड्रॉइड 10 का बेनिफिट लेना चाहते हो तो बस उसे जो इनेबल कर देना है और बस आपको जो यहाँ पे आके एंड्रॉइड 10 का फीचर्स एक्टिव कर देना है कुछ इस तरीके से, तो आपको एंड्रॉइड 10 का फुल बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इस सेटिंग पर टाइप करते हैं, यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो एंड्रॉइड 10 का पिल्स है इसे भी आप हाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो काम करता है। और यहाँ पे एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो है हमारा एज लॉन्ग स्वाइप एक्शन, तो यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीन लॉक रख सकते हो या फिर रिसेंट पैनल या फिर जो भी है वो रख सकते हो। तो जब आप लॉन्ग स्वाइप करोगे कुछ इस तरीके से तो आपको डबल एरो देखने को मिलेगा और जो भी एक्शन आप एज लॉन्ग पे डालते हो उसके अनुसार ये काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिसेंट पे डाला है तो ये रिसेंट पैनल है जो मेरा ओपन हो गया। तो आप लॉक रखते हो तो लॉक आ जाएगा, रिसेंट करोगे तो रिसेंट आएगा, हल्का स्वाइप करने पे ये बैक हो जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं पे इसका बैक बटन जो कि काम कर रहा है, बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि भाई हमें दोनों चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए वो चाहिए, तो यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिलता है। आप देख सकते हो पावर बटन भी काम कर रहा है मेरा और ये जो बैक का बटन है ये भी काम कर रहा है, यानी हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर के दोनों वन टाइम में एक्टिव हो रहे हैं। तो ये कुछ यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ें हो सकती है। वहीं पे चार्जिंग में क्या एनिमेशन होना चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो, बैटरी का इन्फो, डबल टैप, ये सारी चीज़ आपको मिलती है। वहीं पे आपको जो बैकलाइट भी देखने को मिलता है, सेंसर टच वगैरह देखने को मिल जाता है, लॉन्ग स्वाइप पे क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें कर सकते हो। बट ये सारे एक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर चीज के ऊपर काम करेंगे ना कि सॉफ्टवेयर पे, लेकिन यहाँ पे दोनों वर्किंग है तब दोनों का फुल बेनिफिट है जो ले सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग लगा। वहीं पे एम्बिएंट पे ऑलवेज ऑन, एज लाइट इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है और पॉकेट वाला भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ट्रैकर, फ्लैश लाइट ऑन कॉलिंग, जो कि मुझे तो रियली में पसंद आता नहीं है बट अपने अपने चॉइस है, आप यूज भी कर सकते हो। वहाँ पे लेस बोरिंग आपको देखने को मिल जाता है, चार्जिंग के साउंड्स आपको रखने हैं नहीं, यहाँ पे साउंड पैनल
और वाइब्रेशन कंट्रोल, सीपीयू इन्फो वगैरह देखने को मिलता है। गेमिंग मोड भी यहाँ पे दिया गया है और स्मार्ट चार्जिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इसमें अपने अनुसार स्मार्ट चार्जिंग का यूज कर सकते हो। वहीं पे स्क्रीनशॉट का टाइप देखने को मिल जाता है, पॉकेट डिडक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं और बाकी क्रेडिट्स वगैरह देखने को मिलता है। और लास्ट में अपडेटर का सेशन, यानी यहाँ से आप ओटी अपडेट चेक कर पाओगे नेक्स्ट टाइम और अपडेट भी कर पाओगे। तो रोम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, लेकिन एक चीज़ की कमी लगी है, वो है इसके फेस अनलॉक की। चेंज लॉग में मेंटेन तो किया गया कि फेस अनलॉक हमारा फिक्स हो गया है, ऐड किया गया है, बट मुझे कुछ भी फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो गाइज आप जरूर चेक करके बताना कि आपको मिला या नहीं। अगर आपको भी नहीं मिलता है तो मे बी चेंज लॉग में मेंटेन किया गया गलत है, या फिर मुझे नहीं मिला तो मेरे फ्लैशिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो आपके कमेंट के बाद ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। वहीं पे कॉलिंग के सेटिंग्स की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जियो का वीडियो कॉल नहीं मिलता है, लेकिन ऑडियो कॉल आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो सारे फीचर्स मिल जाते हैं कॉलिंग से रिगार्डिंग, जो कि अक्सर यूजर्स को जो चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड करना, वाइब्रेट करना और बाकी अदर चीज़ें, ब्लॉकिंग के ऑप्शन, तो सब कुछ आपको यहाँ पे परफेक्टली मिलता है। बाय डिफॉल्ट वही मोर कस्टम वाला स्नैपड्रैगन का कैमरा, बट आप जीके में यूज कर सकते हो। यहाँ पे एमआई साउंड एनहांसर के साथ साथ यहाँ पे आपको जो साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है ऑडियो इफेक्ट्स का, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको जो प्रोवाइड करेगा। वहीं पर अगर आप इसे रूट करते हो तो आप नेट सेफ्टी और प्ले स्टोर दोनों सर्टिफाइड रहते हैं। तो आप बैंकिंग का ऐप यूज कर सकते हो रूट करने के बाद भी और रूट करने के पहले भी। वहीं पर हम एडिट के सेशन पे आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट है, ग्रे स्केल है, फोकस है, गेमिंग मोड है, रिबूट है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है, स्क्रीन रिकॉर्डर है और स्क्रीन शॉट टाइप वगैरह है। तो जो भी आप यूज करना चाहते हो उसके अनुसार ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हो ऊपर की ओर और उनका यूज कर सकते हो। तभी हम स्क्रीन रिकॉर्डर की अगर बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर कुछ इस टाइप का, जो कि काफ़ी पुराना है। तो ये शायद अपडेट हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को रिकॉर्ड कर पाए मर्जी के अनुसार, और पबजी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट यहाँ पे गेमिंग तो आप अच्छी कर सकते हो, लेकिन ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब आते हैं हम इसके अनटूटू के स्कोर के ऊपर, जो कि अलग अलग टाइम पे है जो क्लिक किया गया है। तो पहला जाते हैं हम इसके बाय डिफॉल्ट पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 91597 का स्कोर मिला है, जो कि बैलेंस के प्रोफाइल पे क्लिक किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है नॉर्मली नोट क्रिमिनल के ऊपर। वहीं पे बैलेंस को परफॉर्मेंस में स्विच करके अनटूटू को चेक किया है मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्का सा स्कोर इंक्रीज किया है, जो कि 93668 का है, जबकि ये नोट क्रिमिनल है। वहीं पर अगर आप इथेरियल को फ्लैश करते हो तो आपको काफ़ी कमाल का है जो परफॉर्मेंस में स्कोर देखने को मिलेगा, और गेमिंग भी आप मजे से प्ले कर पाओगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको रोम को पसंद आया है और आपको गेमिंग करना है तो आप इथेरियल का यूज कर लो, और बैलेंस और प्रोफाइल तो आप अपने अनुसार मेंटेन कर ही सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि रोम बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और एक लाइक जरूर दे देना, और इवनी इवनिंग आपको टेक न्यूज एपिसोड मिलेगा टेक न्यूज का, तो उसका भी वेट करें और वॉच करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।